खुश रहो, सदा सुहागन रहो। कैसे लग रहे हैं नीतू रावत? नीतू रावत, नीतू रावत, नीतू रावत। ये पिज्जा मैंने पहले ही मंगा लिया है। मम्मी पापा आप जा रहे हो, रेस्ट कर ले थोड़ी देर। हम ठीक है ठीक है। इतना मजाक, उधर तैयारी करा थी, उधर काफी तैयारी चलेंगी। पता है वहाँ पे सब लोग क्या कह रहे हैं? ये कह रहे तू ऐसे लग रही जैसे विवाह वाली वो नहीं है अमृता। अच्छा, जैसे विवाह मूवी में उसने साड़ी पहनी। फेस कर तो ऐसे लग रहा है। अच्छा, आज वही लग रही है। नीतू रावत, ये रूम का सजा रखा पहले से ही। तो अब नीतू को मिल गया गुची फाइनली। थोड़ा बना दो, मैं खाना खा लूं। और मम्मी आ भी गई उस गाड़ी से हमें लेने। थोड़ा सा स्यापा हो गया है। क्या है कि मेरे पास कपड़े ही नहीं थे, मतलब कपड़े थे लेकिन मुझे नहीं पता था ना कि आके मेरे को डायरेक्ट घर में एंट्री नहीं दी जाएगी। फिर मुझे डेलकोट पुतारा गया नीतू के साथ। अब वो बेल भी बज गई, मम्मी आ गई ऊपर लेने और मेरे पास कपड़े नहीं थे। तो पता है नीतू ने एक्स्ट्रा मंगवाए हुए थे, मेरे काम आ गए। क्योंकि नीतू तो बहुत सुंदर लग रही है और मैं टी शर्ट वगैरह पहन के कैसा अजीब सा लगता। अरे इतने सारे लोग आए हो, इतनी भारी थोड़ी है, इसे तो मैं उठा लाता। बहुए लेना है, आ जाओ भैया। नमस्ते नमस्ते। हाँ भाई आज तो जा अभी हमें यहाँ से जाना है विला तक। अब हम गाड़ी में बैठ गए क्योंकि थोड़ा सा लंबा रास्ता है। अरे पेटीएम करो, कैश थोड़ी पेटीएम कर दो। पेटीएम करो, पेटीएम करो, पेटीएम करो। मेरा छोटा वाला फोन देना, मेरा फोन दो, मैं पेटीएम लो चेक करूंगा। दोनों को कैश भी दो।
वो है ना स्कैनर है 75 नहीं ओए 50 मुझे भी तो मिलेंगे 50 ओए नहीं 50 50 हो गया किसके अकाउंट में कॉक्स पे करें मैं क्या करूं अभी चलेंगे ना वो सीधे से ही पांच कदम रखने अरे मुझे तो आगे चलने दो अच्छा नीचे तो हमें अंदर बैठा दिया गया और बोला है कि 15 मिनट तक बाहर नहीं आना जब तक सारी लेडीज नहीं आ जाती तब अंदर बैठे इतना खुश है देखो देखो इधर तो देखो आपने इसको मेरे साथ कुछ नहीं देखा आज कह रहा है मेरे मेरी भाभी लेकर आए भैया अच्छा अच्छा भाभी को दो भाभी आपका गिफ्ट इस घर में एंट्री पे सबसे पहले आपको गिफ्ट मिला है बेटे बाबू की भाभी आ गई बाबू की भाभी बाबू हाय करो गाइज मैं बिल्कुल पहाड़न लग रही हूँ है ना रिया बिल्कुल पहाड़ बस एक नथ की कमी है बट नथ यार मैंने नोज पिन डाल दी ना पहननी चाहिए थी नहीं मुझे बहुत अच्छी बात ये है कि अब मैं फाइनली अपने चूड़ियां पहन सकती हूँ और मांग भर सकती हूँ पता है मैं पहले हाफ मांग क्यों भरा करती थी आप मुझे बहुत टोकते थे कि हाफ नहीं भरते ये नहीं भरते क्योंकि मैं फुल नहीं भर सकती थी मॉम मना करती थी आप यहीं बैठे रहो मैम कैन यू होल्ड द कैमरा यू डोंट स्पीक ओके नो आई हैव टू स्पीक प्लीज डोंट स्पीक यू हैव टू कैप्चर एवरी मोमेंट ओके प्लीज डोंट स्पीक क्या ध्यान है कॉम्पिटिशन है कौन अच्छा अच्छा हाँ तो अब यहाँ पर रस्में चालू हो गई है क्या करना है अम्मा पेड़ लग रहे या फिर छू गई हो माथी अगर छू गई तो दो बन जाएंगे और जाना दूर से गेंगे फिर दे ऊपर से गेंगे डाल दे डाल दे अरे मम्मी कहाँ गई देख लो एक ही दाल लगी है देख लो जो होना बढ़िया अब ये है सास अब तो निकल चाबी अभी तो नाचेगी बहू प्रिपेयर कराए बहुत मिल रही है यार मत छोड़ वैसे तो आना सामने पैर मत छोड़